कलाकृति द एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब बटन है, इसको प्रेस कीजिए। और इसके बाद ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए। यहाँ पे ऑल पे क्लिक कीजिए तो आपका नोटिफिकेशन बटन भी ऑन हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैंने ऑलरेडी ये ड्रेस जो है बनाना बता दी है। ये मोर पंखी थीम पे ड्रेस बनाई है जो कि बहुत ही प्यारी है। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही ड्रेस खिल के आई है। चोली में भी मैंने यहाँ पे डबल बॉर्डरिंग की है, तो आप देख सकते हैं चोली भी बहुत ही प्यारी है। तो कुल मिला के डेकोरेशन वाइज ये ड्रेस, कलर कॉम्बिनेशन वाइज ड्रेस जो है बहुत ही ज्यादा प्यारी बनी है। इसका देखिए मैचिंग का मुकुट है, ये भी बहुत ही ज्यादा प्यारा है। आप देख सकते हैं कलर्स भी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं और डेकोरेशन वाइज भी बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये जब कान्हा जी को पहनाया तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो फ्रेंड्स, ये दोनों जो है मैंने ऑलरेडी बनाना बता दिया है, चैनल पे वीडियो अपलोड है। इसका जो लिंक है दोनों का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और अभी आपको ऊपर आई बॉक्स में भी एक एक करके इनका लिंक जो है आ जाएगा। इसके बाद देखिए मेरे पास बहुत सारी डिमांड्स आई कि इसकी मैचिंग की कैप बनाना बताऊं। तो देखिए आज की वीडियो में मैं ये मैचिंग की कैप बनाना बता रही हूं जो कि बहुत ही प्यारी, आप देख सकते हैं। इसकी डेकोरेशन भी बहुत ही इजी है, बनाने में भी ये बहुत ही इजी है। इस कैप को मैंने सारे साइज में बनाना बताया, तो आप किसी भी तरीके से ये कैप बना सकते हैं किन्हीं भी लड्डू गोपाल जी के लिए। तो आप देख सकते हैं सारे कलर्स इसमें आ गए हैं, ब्लू, येलो, ग्रीन और स्काई ब्लू। तो इस तरह से सारे कलर्स जो हमने ड्रेस में लिए हैं वो इसमें आ गए हैं। तो आज मैं यही बनाना बताऊंगी। और फ्रेंड्स, ये ड्रेस और ये मुकुट भी मैंने सारे साइज में ही बनाना बताया है। तो आप जल्दी से क्रोशिया उठाइए और ये जल्दी से ड्रेस बनाइए, कैप या मुकुट में से जो भी आप बनाना चाहे वो भी बनाइए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए ताकि जैसे ही मैं ये सुंदर सुंदर ड्रेसेस अपलोड करूं आपके पास उनका नोटिफिकेशन आ जाए। और फ्रेंड्स, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा राधे राधे, ताकि हमें आपसे हमें पता चलता रहे कि आप हमसे जुड़े हुए हैं और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, कैप बनाना स्टार्ट करते हैं। कैप बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डार्क ब्लू कलर की ऊन ली है जो कि मैंने ड्रेस में भी ली थी, और अब इसको मैं क्रोशे में ऐड कर रही हूं। तो इस तरह से क्रोशे हुक में मैंने इसको ऐड कर लिया। अब मैं यहां पे चार चेन लूंगी, एक, दो, तीन, चार, चार चेन ले ली है। अब मुझे लूप क्रिएट करना है, तो लूप हम कैसे क्रिएट करेंगे, जो इसकी फर्स्ट चेन है उसमें मैं क्रोशे हुक डालूंगी, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से भी निकाल दूंगी। तो ये स्लिप स्टिच से हमने इसको ज्वाइन करके एक लूप क्रिएट करने की कोशिश की है। लूप जो है मैं क्रोशिया से थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं। तो ये देखिए हल्का सा आपको विजिबल होगा, उंगली दिख रही है इसमें आपको। तो इस तरह से एक लूप जो है बनके तैयार हो गया है। अब इसके बाद देखिए हम तीन चेन लेंगे, एक, दो, तीन। ये तीन चेन जो है डबल क्रोशिया की हाइट की होती है और हम इसको एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। अब आगे का सारा काम जो है मैं लूप में करूंगी। तो लूप में मुझे डबल क्रोशिया डालना है। कैसे डालेंगे, क्रोशे हुक में एक फंदा है, दो फंदे किए, लूप में क्रोशिया डाल रही हूं। तो ध्यान रखिएगा कोई चेन में नहीं डाल रही हूं, लूप में डाल रही हूं। धागे को निकालूंगी, तो देखिए क्रोशे हुक में टोटल तीन फंदे हो गए हैं। काउंट करके दिखा रही हूं, वन, टू, थ्री। अब ये तीन के शुरू के दो फंदे लूंगी, तीन के दो कर दूंगी इस तरह से और दो का एक कर दूंगी। तो इस तरह से ये डबल क्रोशिया जो है मैंने डाल लिया है। तो टोटल मेरे यहां पे दो डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब नेक्स्ट डबल क्रोशिया भी लूप में ही डालूंगी, इससे नेक्स्ट डबल क्रोशिया भी लूप में डालूंगी। तो फ्रेंड्स, यहां पे देखिए मुझे कितने डबल क्रोशिया डालने हैं। यहां पे अभी मैं पांच नंबर की कैप बना रही हूं। तो देखिए पांच नंबर की अगर कैप बनाएंगे तो उसमें 10 ऐड कर देंगे, तो 10 प्लस 15, 15 डबल क्रोशिया अप्रोक्सीमेटली हम बनाएंगे। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हमें 15 ही बनाना है। अगर लूप में 13 के करीब आएंगे तो 13, 14, 15 कितने भी आप डाल सकते हैं। तो अराउंड 15 हमें डबल क्रोशिया डालने हैं। अगर आप जीरो नंबर की कैप बना रहे हैं तो जीरो में 10 ऐड करेंगे, हमेशा हम 10 ऐड कर देंगे। तो 10 वहां पे हम डबल क्रोशिया डालेंगे अराउंड, तो 9, 10 के अप्रोक्सीमेटली डाल देंगे। ज्यादा नहीं डालिएगा, एक आधा कम ही डालिएगा। अगर हम दो नंबर की कैप बना रहे हैं तो 10 प्लस 2 12, 12 डबल क्रोशिया डालेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 10, 11, 12 जो है उसमें डबल क्रोशियाज डालेंगे। तो यहां पे देखिए मैं डबल क्रोशियाज डालती जा रही हूं। करीब 15 डालने हैं तो 13 या 14 डबल क्रोशिया आएंगे लूप में, उतने डबल क्रोशिया डाल के मैं आपको दिखाती हूं।
तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने 13 डबल क्रोशियाज डाल लिए हैं और 13 ही आ रहे हैं। अब मुझे इस लूप को इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो राउंड को कंप्लीट कैसे करूंगी? फर्स्ट डबल क्रोशिया जो है 3 चेन से बनाया था, तो उसकी थर्ड चेन में मैं क्रोशिया हुक डाल रही हूँ, धागे को निकालूंगी और सीधा इसमें से निकाल दूंगी। तो स्लिप स्टिच से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया और यहाँ पे ही हमारा फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। सेकंड राउंड जो है, आगे के सारे राउंड्स में हाफ डबल क्रोशिया से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं 2 चेन लूंगी। ये 2 चेन जो है हाफ डबल क्रोशिये की हाइट की होती है, इसलिए मैं हाफ डबल क्रोशिये के लिए 2 चेन लेती हूँ और हम इसको एक हाफ डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब इसके जस्ट बगल वाली चेन में मैं हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी। हाफ डबल क्रोशिया कैसे डालते हैं? क्रोशिये हुक में एक फंदा है, 2 फंदे किए, जस्ट बगल वाली चेन में क्रोशिये हुक डाला, धागे को निकाला, तो देखिये 3 फंदे हो गए, 3 का डायरेक्ट एक कर दिया है, तो इसको बोलते हैं हाफ डबल क्रोशिया। तो डबल क्रोशिया और हाफ डबल क्रोशिया में यही डिफरेंस होता है कि हाफ डबल क्रोशिया में हम 3 का डायरेक्ट एक कर देते हैं और डबल क्रोशिया में हम 3 का 2 का एक करते हैं। तो मैंने इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया ले लिया है। अब नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए, हम इस तरह से हर चेन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। बट जो हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया लिया था 2 चेन से, वो हमारा एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो नीचे फर्स्ट राउंड में हमने 13 डबल क्रोशिया डाले थे, तो उसकी 13 चेन क्रिएट हो गई थी। तो उन 13 चेन में हमारे 13 हाफ डबल क्रोशिया तो आ जाएंगे और एक हाफ डबल क्रोशिया जो है एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो टोटल इस राउंड में मेरे 14 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। बट यहां पे देखिए, मैं 5 नंबर की कैप बना रही हूं, तो मैं इस चेन में एक हाफ डबल क्रोशिये की बजाय 2 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। एक और इसी चेन में डाल दूंगी। तो यहां पे इस वजह से इस चेन में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिये डाले, तो राउंड के एंड में मेरे पास 14 होने चाहिए थे, बट अब 15 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चेन में एक डालूंगी, इससे नेक्स्ट चेन में भी एक डालूंगी। अब हर चेन में एक एक डालते हुए ये राउंड जो है कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड राउंड जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, बस अब हमें इसे ज्वाइन करना है। तो यहां पे देखिए, जो हमें यहां पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिये से, और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया जो है 2 चेन से बना था, तो उसकी दूसरी चेन में मैं क्रोशिया हुक डालूंगी और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से सेकंड राउंड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं थर्ड राउंड की तरफ प्रोसीड करूंगी, तो उसके लिए भी 2 चेन लूंगी, जस्ट बगल वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी। नेक्स्ट चेन में भी हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। अब इससे नेक्स्ट चेन में मैं 2 बार हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये जो है हम 5, 6, 7 नंबर तक के, जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए अगर कैप बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया डालते हैं। अगर हम छोटी कैप बनाएंगे 0, 1, 2, 3, तो उसमें हमें बिल्कुल भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि हम एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया डालें। हमारे डायरेक्ट बस हर राउंड में एक एक हाफ डबल क्रोशिया जो बढ़ेगा वो सफिशियंट होगा। यहाँ पे हमें कैप जो है थोड़ी चौड़ी करनी होती है, ताकि लड्डू गोपाल जी के सर पे आराम से आ जाए, बिल्कुल भी तकलीफ ना होने, इसलिए हम यहाँ पे एक चेन में बीच में कहीं पे 2 हाफ डबल क्रोशिया डाल रहे हैं। तो हर राउंड में ऐसे करूंगी, और जहां पे मुझे लगेगा कि अब जो है चौड़ी हो चुकी है कैप, अब नेक्स्ट राउंड में अगर मुझे जरूरत नहीं लगेगी तो वहां पे मैं छोड़ दूंगी। और हाइट जितनी आपको चाहिए उतनी आप हाइट की कैप बना सकते हैं। ये कंप्लीट कैप करके मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे पूरी कैप का जो ऊपर वाला पोर्शन है बना दिया है। यहां पे देखिए, टोटल मैंने 6 राउंड्स लिए हैं। एक फर्स्ट राउंड जो है हाफ डबल क्रोशिये का है, और उसके बाद 5 फर्स्ट राउंड जो है डबल क्रोशिये का है, और उसके बाद 5 राउंड जो है हाफ डबल क्रोशिये के हैं। अब फ्रेंड्स, हमारा ये डार्क ब्लू कलर का जो काम है कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे धागा काट लेंगे और एक चेन लेके इसको नोट लगा देंगे। तो इस तरह से कैप का जो देखिए ऊपर वाला पोर्शन जो है कंप्लीट हो गया है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद हम येलो कलर से काम करेंगे, तो यहाँ पे मैंने येलो कलर की ऊन ले ली है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो नीचे फर्स्ट लास्ट वाला राउंड है उसकी चेन में मैं यहाँ पे इसको येलो कलर के धागे का जो ये काम है ये स्टार्ट करूंगी, तो क्रोशिया हुक जो है इसमें ऐड कर लूंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने जो धागा है ऐड कर दिया है। तो अब देखिए मैंने येलो कलर का धागा जोड़ लिया है। अब मुझे यहां पे पांच चेन लेनी है, 1 2 3 4 5 पांच चेन लेने के बाद फ्रेंड्स एक चेन छोड़ के मुझे सेकंड चेन में इसको सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करना है। तो इस तरह से मैंने इस तरह से एक लूप बना दिया है सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करने के बाद में। अब नेक्स्ट चेन में चली जाऊंगी सिंगल क्रोशे से, अब फिर से लूप बनाऊंगी तो पांच चेन लूंगी, 2 3 4 5 अब फिर से एक चेन छोड़ के सेकंड चेन में मुझे सिंगल क्रोशे से जाना है। एक चेन छोड़ दूंगी मैं यहां पे और सेकंड चेन में मैं इसको सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर दूंगी। तो इस तरह से सेकंड लूप भी बन गया है। फिर से पांच चेन, फिर से नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे से जाऊंगी, अब फिर से लूप बनाऊंगी तो पांच चेन लूंगी, अब फिर से एक चेन छोड़ के नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करूंगी। तो इस तरह से लूप जो है बन जाता है और फिर नेक्स्ट लूप के लिए मैं नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे से जाती हूं। तो इस तरह से सारे लूप्स जो है मैं बना के कंप्लीट करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए पूरा राउंड जो है मैंने कंप्लीट कर दिए। यहां पे मेरे टोटल 7 लूप्स बने हैं। यहां पे देखिए फ्रेंड्स, आपको हो सकता है एक आधी चेन जो है एडजस्ट करनी पड़े, या तो आपको लास्ट जो लूप बनेगा उसमें हो सकता है कि आपको एक भी चेन स्किप करने के लिए नहीं मिले, या हो सकता है एक एक्स्ट्रा चेन रह जाए। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है एक एक्स्ट्रा होगी तो आपको 2 चेन छोड़ के फिर आपको ज्वाइन करना होगा लूप को। हो सकता है कम रहेगी तो आपको डायरेक्ट ही एक बिना चेन छोड़े हुए आपको लूप को बनाना होगा। तो इस तरह से चेन्स को एडजस्ट करना होगा। अब मैं फर्स्ट लूप में डायरेक्ट चली जाऊंगी, कोई चेन में नहीं जाऊंगी, डायरेक्ट फर्स्ट लूप में सिंगल क्रोशे की हेल्प से चली जाऊंगी। तो लूप में आ गई हूं मैं सिंगल क्रोशे की हेल्प से, एक सिंगल क्रोशिया बना भी लिया है। अब हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। हाफ डबल क्रोशिया मैंने आपको बताया हुआ कैसे बनाएंगे। तो देखिए क्रोशे में 2 फंदा है, लूप में डाल लिया, 3 फंदे हो गए, 3 का डायरेक्ट 1। तो इस तरह से 2 हाफ डबल क्रोशिया इस लूप में डालूंगी, एक डाल दिया है, एक और डाल रही हूं। थोड़ा सा ये वर्क को टाइट रखूंगी इस तरह से ताकि इसमें सारे आ जाएं। इसके बाद 2 डबल क्रोशिये डालूंगी, इसके बाद एक ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी। ट्रिपल क्रोशिया कैसे डालते हैं, देखिए क्रोशिया हुक में 3 फंदे मैंने इस तरह से कर लिए, लूप में से क्रोशिया लेके जाऊंगी, धागे को निकालूंगी, 4 फंदे हो गए, शुरू के 2 फंदे धागे से कर लूंगी, तो 4 के 3 फंदे रह जाएंगे, 3 के अब 2 रखेंगे और 2 के 1। तो ये ट्रिपल क्रोशिया है। अब मैं 2 चेन लूंगी। तो इस तरह से देखिए जो पूरा लेफ्ट में हमने ये जो काम किया है ये सेम हम इस तरफ वापस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले इसी लूप में ट्रिपल क्रोशिया बनाऊंगी, 4 का 3, 3 का 2, 2 का 1। अब इसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, इसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, इसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी। तो यहां पे देखिए ये इस लूप का जो है काम मेरा कंप्लीट हो गया और ये लीफ कुछ इस तरह से दिखेगी। अब सेकंड लूप में जाऊंगी तो डायरेक्ट जाऊंगी सिंगल क्रोशिये की हेल्प से, जैसे कि मैं पहले गई थी। अब फिर से सेम वर्क इसी लूप में करूंगी, सिंगल क्रोशिया डाल दिया, अब 2 हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, फिर 2 डबल क्रोशिया डालूंगी और फिर 1 ट्रिपल क्रोशिया डालूंगी, फिर 2 चेन लूंगी, फिर से 1 ट्रिपल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये पूरा जो है सारे लूप में ये सेम काम करके लीफ जो है बना के आपको दिखाती हूं।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे लूप में काम कर लिया है, तो वर्क जो है कुछ इस तरह से दिखेगा, बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने लग गया, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद देखिए, लास्ट लूप में मैंने सिंगल क्रोशिया ले लिया है, इसके बाद मैं धागे को कट करूंगी और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो यहां पे हमारा येलो कलर, लेमन येलो कलर लिया था, ऑरेंजिश येलो कलर लिया था, और इससे हमारा जो है काम कंप्लीट हो गया है। अब हम यहां पे ग्रीन कलर, डार्क ग्रीन कलर जो मैंने ड्रेस में लिया था, उससे मैं इसकी बॉर्डरिंग करूंगी। तो देखिए, डार्क ग्रीन कलर की ऊन है जो मैंने ड्रेस में ली थी, अब इससे मैं इसकी बॉर्डरिंग करूंगी। तो अब देखिए फ्रेंड्स, हम डार्क ग्रीन कलर का धागा जो है ऐड करेंगे। तो कहां ऐड कर रहे हैं, ये जो हमने लूप बनाया था, तो सिंगल क्रोशिया जो बनाते हैं उसकी जो चेन है, इसमें मैंने क्रोशिया हुक डाला है, और इसे यहां पे मैं इस तरह से धागा जो है एक चेन लेके जोड़ दूंगी। अब जो है हम लूप में जो हमने सिंगल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया ये सब वर्क किया था, उसकी जो चेन्स बनी थी उसमें हम डालेंगे। पहले मैं फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालूंगी, बाद में हर चेन में मैं सिंगल क्रोशिया डालती जाऊंगी, और यहां पे इस लीफ के टॉप पे आके जहां पे हमने चेन्स बनाई थी, ये जो स्पेस क्रिएट हो गया, इसमें मैं हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी पहले। अब मैं एक डबल क्रोशिया डाल दूंगी, तो एक हाफ डबल क्रोशिया डाला, एक डबल क्रोशिया। अब दो चेन लूंगी, और अब एक डबल क्रोशिया और एक हाफ डबल क्रोशिया। तो एक हाफ डबल क्रोशिया डाला, एक डबल क्रोशिया, दो चेन, एक डबल क्रोशिया, और फिर एक हाफ डबल क्रोशिया भी डाल दूंगी। तो टोटल चार चीजें मैंने इसमें डाल दी है। अब इसके बाद फिर से मैं हर चेन्स में वर्क करूंगी, और वहां पे मैं सिंगल क्रोशिये का पूरा वर्क करती जाऊंगी। अब देखिए जो लूप के, ये देखिए लूप जो है, ये पूरा जो यहां पे लीफ बनाई है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है, तो बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अब देखिए हम आगे कैसे वर्क करेंगे वो मैं आपको बताती हूं। अब फ्रेंड्स, हम सेकंड लीफ की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो यहां पे पहले इसके जो ज्वाइंट था दोनों लूप का, वहां पे जो सिंगल क्रोशिया से चेन बनी हुई है, उसमें मैं एक सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी। अब मैं नेक्स्ट लीफ की तरफ चलती हूं, हर चेन में मैं सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो बिल्कुल इसी तरह से मैं प्रोसीड करूंगी, और यहां पे पूरे की मैं बॉर्डरिंग करके ये फिनिश करके आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डरिंग जो है कंप्लीट हो गई है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा प्यारा लगने लग गया है। अब हमें धागे को कट करना है, तो लास्ट में हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है जहां से हमने वर्क को स्टार्ट किया था। तो ये देखिए, जहां से हमने वर्क को स्टार्ट किया उसमें मैं स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी, और इस तरह से यहां पे मेरा वर्क जो है कंप्लीट हो गया। मैं धागे को कट कर रही हूं, और एक चेन लेके नोट लगा दूंगी। तो अब फ्रेंड्स, मैं लाइट ब्लू कलर का धागा लूंगी जो कि मैंने ड्रेस में लिया है, उसको हम ऐड कर रहे हैं। तो मैं यहां पे जो दो चेन लेते हैं उधर से टॉप से शुरू कर रही हूं, लीफ की टिप पे जो शुरू कर रही हूं, तो मैंने ज्वाइन कर दिया है। इसमें मैं दो सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी, एक ज्वाइन करते वक्त हो गया, एक और डाल दिया है। अब नेक्स्ट जो है सिंगल क्रोशिया चेन में डालूंगी। तो यहां पे भी बेसिकली मैं इसकी बॉर्डरिंग कर रही हूं लाइट ब्लू कलर से। तो यहां पे हर चेन में सिंगल क्रोशिया डालती जाऊंगी, ताकि जो ड्रेस में हमने चारों कलर्स लिए थे वो चारों के चारों कलर्स यहां पे आ जाए। अब देखिए फ्रेंड्स, एक और सिंगल क्रोशिया भी डाल दूंगी। अब देखिए जो नीचे, अब ग्रीन कलर की जो एक चेन आएगी वो वाली आएगी जो हमने लूप के जो ज्वाइन करते हैं तो वहां पे आएगी, तो वो वाली हम चेन जो है स्किप करके नेक्स्ट चेन में डायरेक्ट चले जाएंगे, ताकि लीफ की इससे शेप सही आ जाए। तो वो एक चेन हमने छोड़ दी है, तो जो दो लीफ के बीच में हमने जॉइंट में, लूप के जॉइंट में जो हमने जहां पे ऊपर उसके ऊपर चेन किया है, ये देखिए दो लीफ का यहां पे जॉइंट होती है, जो उधर हमने जो एक सिंगल क्रोशिया लिया था उसकी चेन मैंने स्किप करके अब मैं आगे सारी चेन्स में भी सिंगल क्रोशिया डालूंगी। फिर जो दो चेन वाली स्पेस आएगी, अभी मैं सारी चेन्स में सिंगल क्रोशिया डाल के एक बार ऊपर आ जाती हूं टॉप पे इसके।
लीफ के अब मैं टॉप पे आ गई हूं, यहां पे मैं दो सिंगल क्रोशिया डाल दूंगी, एक और ये दूसरा। अब फिर से चेन्स में डालूंगी, ये जब मैं टॉप पे आती हूं तो मैं यहां पे कोई चेन में नहीं डालती हूं, स्पेस में डालती हूं, और फिर से चेन में डालूंगी और ये पूरी बॉर्डरिंग करके मैं आपको दिखाती हूं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से पूरा काम कर दिया है। यहाँ पे लास्ट में मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके और फिर चेन लेके ये जो है धागा कट कर लिया है। फिनिशिंग अभी मैं कर लूंगी। अब इसकी जो ये लीव्स है इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे, ये हल्का सा एक दूसरे के ऊपर आएंगी। तो इस तरह से देखिए मैंने सेट कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं सारे इसमें कलर्स आ गए हैं जो ड्रेस के थे। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट करके और फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने फिनिशिंग कर दी और डेकोरेशन भी कर दी है। सिल्वर नग से मैंने इसको डेकोरेट किया, तो आप देख सकते हैं डेकोरेशन के बाद ये और भी प्यारी लगने लग गई है। तो फाइनली ये कैप जो है बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको ये कैप कैसी लगी और हमारे बनाने का सिखाने का तरीका कैसा लग रहा है। और फ्रेंड्स हमें राधे राधे जरूर लिखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।